हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन नंबर 13 में हम HTML के कुछ और टैग सीखने वाले हैं, जैसे कि टाइटल टैग, हेड टैग और मीटर टैग एंड मार्क टैग। और भी एक टैग है, डिलीट एंड INS टैग। ओके, तो ये 5-6 टैग है, ये हम लेसन नंबर 13 में सीखने वाले हैं। तो देखते हैं वन बाय वन टैग। सबसे पहले HTML/HTML लिखें, body/body, ओके। तो ये जो हेड टैग है वो बॉडी टैग के ऊपर लिखा जाता है, बॉडी या हेड स्लैश हेड। ये हेड टैग जो है इसे हम बॉडी टैग के ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, पर ये हेड टैग जब HTML फाइल रन होती है तो सबसे ऊपर रन होता है, मतलब कि सबसे पहले हेड टैग रन होता है। उसमें आप टाइटल टैग लिख सकते हैं, टाइटल स्लैश टाइटल, ये टाइटल टैग क्या है कि HTML का जो पेज है उसका टाइटल देने के लिए यूज होता है। HTML पेज जब रन होता है तो उसके ऊपर टाइटल बार में, HTML पेज रन होता है तो उसके ऊपर टाइटल बार में टाइटल आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेसन नंबर 13 ये हमने टाइटल दे दिया और फाइल को सेव करेंगे डी ड्राइव में, GDB HTML प्रोग्राम, उसके अंदर लेसन 13 .html। अब इसको हम रन करेंगे, ठीक है, लेसन नंबर 13। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा है लेसन नंबर 13, तो ये टाइटल बार है HTML पेज का और यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले होता है। ओके, तो टाइटल देने के लिए टाइटल टैग यूज होता है और वो जनरली हेड में लिखा जाता है क्योंकि हेड टैग जो है वो सबसे पहले रन होता है। तो जब HTML फाइल रन होगी तो हमारा टाइटल जो है वो सबसे पहले डिस्प्ले हो जाएगा। इसीलिए जब आप गूगल या yahoo.com कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका टाइटल सबसे पहले ऊपर आ जाता है, बाद में उसकी कंटेंट डिस्प्ले होती है। और हेड टैग में आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, हेड टैग में आप CSS का कोड भी लिख सकते हैं। ओके, तो हेड टैग सबसे पहले रन होता है HTML के अंदर और टाइटल टैग जो है वो टाइटल डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। अब आगे देखते हैं मीटर टैग, मीटर स्लैश मीटर, ओके, मीटर टैग। ओके, तो पहले आप इसका आउटपुट देख लीजिए, मीटर मिनिमम इक्वल टू 10, मैक्सिमम इक्वल टू 100, ओके, वैल्यू इक्वल टू 10। तो इसका आउटपुट देखिए आप, मीटर टैग का आउटपुट कैसे होगा, रिफ्रेश करते हैं इसे, तो ये देखिए मीटर टैग है। ये आपको
छोटा सा प्रोग्रेस बार दिखाएगा, मीटर दिखाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम और इसकी वैल्यू देनी होती है इसमें। ओके, मिनिमम इक्वल टू 100, मैक्सिमम इक्वल टू 100, मिनिमम रेंज इसकी 10 होगी, मैक्सिमम रेंज इसकी 100 होगी, वैल्यू इक्वल टू 10 ये वैल्यू सेट करेगा। ओके, अभी इसमें दिखाई नहीं देता है पर वैल्यू सेट होता है इसमें। रिफ्रेश, हाँ 50 कर देते हैं इसे, वैल्यू इक्वल टू 50। ओके, देखिए अब ये जो वैल्यू 50 की हमने, तो यहाँ पे मीटर दिखाई देता है। ओके, तो मोबाइल में आता है ना वो बैटरी का सिंबल होता है, उसमें इस टाइप का मीटर होता है, तो ये मीटर है। मीटर में आप मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं 10, मैक्सिमम वैल्यू 100। ओके, और वैल्यू इक्वल टू 50 मतलब कि मीटर की ये वैल्यू है जो सेट होगी। ओके, और एक पैरामीटर है इसमें, लो इक्वल टू फोर्टी फाइव फॉर एग्जाम्पल। तो ये लो इक्वल लो प्रॉपर्टी किसके लिए यूज होती है, कि अगर ये जो वैल्यू है ये 45 से कम होगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मीटर का कलर। ये देखिए हम यहाँ पे 40 करते हैं, ठीक है, और रिप्रेस करेंगे इसे, तो देखिए आप इसका कलर चेंज हो गया, मतलब कि अगर ये मीटर कुछ लेवल से कम हो जाएगा तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये है मीटर टैग, इसमें आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देंगे, वैल्यू देंगे 40, उसके हिसाब से मीटर सेट होगा, और ये लो वैल्यू है, मतलब कि अगर इस वैल्यू से कम वैल्यू आप यहाँ पे देंगे तो मीटर का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, मीटर। ओके, रिप्लेस मीटर टैग, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटस, किसी चीज का आपको स्टेटस दिखाना है तो यहाँ पे स्टेटस लिख के ये मीटर दिखा सकते हैं। इसको हम जूम करेंगे, ये देखिए ये मीटर। ओके, तो और एक टैग दिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कलर इज रेड। ओके, और रेड के आजू बाजू हम डिलीट टैग लिखते हैं, DEL मतलब डिलीट। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा देखिए आप, कलर इज रेड। ओके, यानी कि ये जो रेड लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये होता है डिलीट का मतलब कलर इज रेड, यहाँ पे बीच में लाइन आ जाएगी। ओके, तो डिलीट टैग का यूज कब होता है, जब आपको कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो और उसको आप सुधार के कुछ लिखना चाहते हैं, दूसरा स्टेटमेंट। ओके, कलर इज रेड लिखा हमने, यहाँ पे ब्लू लिखते हैं, ब्लू, और यहाँ पे INS लिखते हैं, INS स्पेस INS। ओके, तो INS का मतलब होता है इंसर्ट। ओके, तो डिलीट की जगह पे कौन सी वैल्यू इंसर्ट होगी, तो यहाँ पे रेड की जगह पे ब्लू इंसर्ट होगा। ओके, रेड कलर की जगह पे ब्लू कलर होगा, इसका ये मतलब है। देखिए यहाँ पे रिप्रेस, ओके स्लैश लिखना रहेगा, स्लैश रिप्रेस। ओके, जो कलर इज रेड कलर नहीं है, पर कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, तो ये पहले लिखा था रेड वो इनकरेक्ट है, और बाद में हमने सुधार के ब्लू कलर करना है, तो ऐसे हम वेबसाइट में हमारे यूजर को दिखा सकते हैं। ओके, कि पहले जो स्टेटमेंट था ये गलत है, अब ब्लू को कंसीडर करें एज ए कलर। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ इतने ही टैग हम कवर करेंगे, बाकी के वीडियो के लिए बाकी के टैग जो है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।